हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रीव्यू अकेडमी। मैं चारू अग्रवाल आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपकी पार्ट टू वीडियो है, ठीक है। पार्ट वन आ चुका है और अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। कामायनी के नामकरण के औचित्य पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कामायनी का जो नाम है वो कामायनी क्यों रखा गया है, ठीक है। यानी कि उसके नामकरण के पीछे की क्या कहानी है कि उसका नाम कामायनी रखा और कुछ ना रख के, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई चेंज क्वेश्चन भी आता है तो आपको यही आंसर लिखना है। आंसर देखिए, प्रसाद जी ने अपनी कृति कामायनी का नामकरण नायिका के नाम पर किया है। किसके नाम पर किया है? नायिका के नाम पर किया है। काम की पुत्री होने के कारण श्रद्धा का दूसरा नाम कामायनी है, ठीक है। कामायनी कौन है, मतलब कामायनी कौन है? श्रद्धा। और श्रद्धा कौन है? काम की पुत्री, यानी कि कामदेव की पुत्री। काम का प्रसाद जी ने व्यापक व्यापकतम अर्थ से लिया है, ठीक है। यानी कि काम जो है वो क्या है, व्यापकतम अर्थ से इसका मतलब है, ठीक है। व्यापक मतलब बहुत बड़े अर्थ में इसका मतलब लिया गया है। परम पुरुष काममय ही होता है, सो काम्यत। सृष्टि में काम को पूर्व जन्मा माना है। कामस्तये समप्रवर्ताधि नाद सुक्तः। इसी प्रकार पौराणिक परंपरा में काम प्रद्युम्न कृष्ण विष्णु के पुत्र माने गए हैं। कामायनी में श्रद्धा आध्या शक्ति की इच्छा ही संदेश सुनाने के लिए अवतरित हुई है। आगे देखिए, काम गोत्रिजा से भी यह ध्वनि निकलती है। काम के गुणों से युक्त भावना, सृष्टि विकास के मूल में काम तत्व ही विद्यमान रहता है। कामायनी में श्रद्धा ही मनु को काम पथ पर अग्रसर करती है और वही उन्हें पूर्ण काम परम पुरुषार्थमय भी बनाती है। इस दृष्टि से इस ग्रंथ का नाम अत्यंत सार्थक है। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जो मनु है, ठीक है, वो बहुत निराश थे, उनमें आशा जो भरती है वो श्रद्धा भरती है और उनमें आशा का उद्भव करती है, उनमें काम भावना उत्पन्न करती है और उसके बाद उनसे कहती है कि इस सृष्टि को तुम ही आगे बढ़ा सकते हो, तुम ही इस सृष्टि के नायक बन सकते हो, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे दिखाई गई है, इसलिए यहाँ पे इस दृष्टि से देखें तो जो हमारा ग्रंथ है उसका कामायनी नाम बहुत ही सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रामायण या कृष्णायन के साम्य पर इसका नाम भी कामायन रखा जा सकता था, किंतु नायक मनु काम मार्ग पर अक्सर होने वाले एक सामान्य पथिक मात्र है। वे काम या इच्छा लोक में निराधार भटकते रहते हैं। उनका चरित्र भी उद्दांत अथवा महाकाव्यी गरिमा से युक्त नहीं है। वस्तुतः उनके द्वारा मानव से भी मानवता के आनंद शिखर तक यात्रा प्रस्तुत करना इस ग्रंथ का प्रमुख साध्य रहा है। श्रद्धा जिसकी मूल प्रेरणा का केंद्र है, ठीक है। यानी कि इन्हें जो सबसे ज्यादा प्रेरणा कौन देता है? श्रद्धा देती है। इसलिए कामायन इसका नाम ना होके कामायनी नाम रखा गया है, ठीक है। यानी कि जो नायिका है उसे प्रमुख माना गया है, उसे प्रमुख पात्र मानकर इस जो रचना है, इस रचना को प्रमुख बनाने के लिए, इस रचना को मुख्य बनाने के लिए जो नायिका है उसी का नाम दिया गया है। आगे देखिए, भाव चक्र यह चला रही है, इच्छा ही गत नाभि घूमती, नवरस भरी अगाए अविगल, चक्रवाल की चकत घूमती। अतः मनु अर्थात नायक के नाम के आधार पर नामकरण करने से महाकाव्य की सृष्टिगत कारण गरिमा न रह पाती, जबकि नायिका के नाम के आधार पर इसका मूल संदेश तथा नायक के क्रिया व्यापारों का भी प्रतिनिधित्व हो जाता है। अगर देखे मनु के नाम पे अगर हमने रचना का नाम रखा होता, यानी कि नायक के नाम पे अगर हमने इसका नाम रखा होता, तो महाकाव्य की समष्टिगत कारण गरिमा ना रह पाती, यानी कि उसकी वो गरिमा ना होती जो इस समय नायिका के नाम के आधार पर जब हमने इसका नाम रखा है, तो क्या है, मूल संदेश तथा नायक के क्रिया व्यापारों का प्रतिनिधित्व खुद ही हो गया है। श्रद्धा नाम रखने में नायक की समग्र विशेषताएं
ध्वनित ना हो पाती, यानी कि श्रद्धा नाम रखने में, अगर हम श्रद्धा नाम से भी रखते तो भी क्या है, नायक की जो सारी विशेषताएं हैं वो हमें नहीं दिख पाती। अतः यह नाम समग्र कृति के प्रभाव एवं वैशिष्ट्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता। कामायनी को स्वयं प्रसाद जी ने जगत की अकेली मंगल कामना तथा मानस तट की ज्योतिर्मय एवं प्रफुल्लित वनवेली कहा है। आगे देखिए, व्यंजनात्मक रूप से यही वस्तु कामायनी की समग्रता और आनंदवाद का स्वरूप भी प्रस्तुत करती है। अतः समग्र दृष्टियों से यह नाम गरिमा मंडित है। नायिका के आधार पर नामकरण की यह परंपरा भी सर्वथा नवीन और युगंतकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धा सर की कथा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अभी देखिए, हमने पहले ईड़ा सर का देखा था, अब यहाँ पे श्रद्धा सर का, हम श्रद्धा सर की कथा देखेंगे। और श्रद्धा सर क्योंकि लगा हुआ है तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये ईड़ा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, इसका आंसर देखिए, मनु हिमालय की शून्य घाटी में अपनी गुफा में अकेले बैठे हैं कि श्रद्धा वहां अचानक पहुंचती हैं और मनु के सुंदर रूप को देखकर अभिभूत सी होकर उनका परिचय पूछती हैं। मनु उसके मधुर स्वर से चौंक पड़ते हैं और उस अनुपम सौंदर्यशाली बालक को देखकर वे देखते ही कह जाते हैं। मनु ने श्रद्धा का परिचय जानना चाहा। श्रद्धा ने बताया कि मैं अपने पिता की लाडली संतान हूँ और इधर गंधर्वों के देश में ललित कलाएं सीख रही थी। मुझे घूमने का चाव था और पर्वतीय प्रदेश में खुले आकाश के नीचे सैर करते हुए प्रकृति के आनंद का पान किया करती थी। आगे देखिए, श्रद्धा मनु की अवस्था देखकर उनसे पूछती हैं कि तुम इतने थके से दुखी निराश और चिंतित क्यों हो, क्या तुम्हारे हृदय में जीवन की लालसा नहीं रही, तुम्हारे यह त्याग तुम्हारी भीगुता का परिचायक तो नहीं है, तुम अज्ञात दुख के डर से जीवन की जटिलताओं का अनुमान करके दुखी हो और यह नहीं जानते कि तुम्हारे सामने एक उज्जवल भविष्य पड़ा है, यानी कि तुम क्यों दुखी हो, तुम इतने थके हुए निराश दुखी चिंतित क्यों लग रहे हो, क्या तुम्हारे मन में जीने की कोई इच्छा नहीं बची है, तुमने जो त्याग किया है क्या तुम्हारी भीगुता का परिचायक नहीं है, तुम अज्ञान दुख जो कि दुख अभी तुम जानते भी नहीं कौन सा दुख है, तुम उस दुख से डर रहे हो, जीवन की जटिलताओं का अनुमान करके तुम दुखी हो रहे हो, यानी कि तुम पहले ही सोच रहे हो कि जीवन कितना दुखी कितने परेशानियों भरा रहने वाला है और ये सोच के तुम दुखी हो रहे हो, यह नहीं जानते कि तुम्हारे सामने एक उज्ज्वल भविष्य है, यानी कि तुम्हारे आगे बहुत बड़ा भविष्य पड़ा है, ठीक है। श्रद्धा मनु को काम का मंगलमय संदेश देती हुई कहती है कि जिस काम से तुम डर रहे हो वह काम तो संसार के कल्याण का मूल है, यह सृष्टि का, सृष्टि भी काम से ही जन्मी है, इसलिए काम की अवहेलना तो अवहेलना हो तुम्हारे दुख का कारण है, ठीक है, अवहेलना ही आएगा यहाँ पे, ठीक है, अवहेलना, अवहेलना ही तुम्हारे दुख का कारण है, ठीक है, यहाँ पे ही आएगा। श्रद्धा मनु को नवजीवन की प्रेरणा देती है और उनकी सहचारी बनकर सृष्टि रचना के कर्तव्य रूपी ऋण से उत्तीर्ण हो चाहती है, होना चाहती है। वह मनु के चरणों में सर्वस्व समर्पण कर देती है और मनु को नवीन मानव सृष्टि के निर्माण का आदेश देती है। देव संस्कृति के ध्वंस पर यह नई मानव संस्कृति चेतना का सुंदर इतिहास बनाकर स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाए, यह श्रद्धा की कामना है। आगे देखिए, वह यह भी कामना करती है कि मानव के मार्ग में आने वाली समस्त बाधाएं समाप्त हो जाए और मनुष्य सदैव विजय होता रहे। अंत में श्रद्धा मनु का आवाहन करती है कि वह विश्व में बिखरे हुए शांति के विद्युत कणों को एकत्र करके मानवता को विजयी बनाए, यानी मानव जो मानवता है उसे सबसे ऊपर रखा जाए, ठीक है, जिसमें श्रद्धा जैसे मनोभाव का सम्यक निरूपण करते हुए नागी जीवन का चित्र भी अंकित किया गया है, यानी यहाँ पे नागी जीवन के चित्र को भी दिखाया गया है। इसमें कवि ने नागी जीवन की अंतर्ग्रह स्थिति
प्रेम के कारण उत्पन्न अंतःकरण की मनोवृत्तियां, नारी के सुकुमार अंगों के परिवर्तन आदि का जो चित्रण किया है वह विश्व साहित्य में अपना अभूतपूर्व स्थान रखता है। यानी कि यहाँ पर जो भी कुछ दिखाया गया है नारी जीवन के बारे में वो क्या है, विश्व साहित्य में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विशेषकर लज्जा मनोभाव का जो सजीव स्वाभाविक एवं मार्मिक चित्र यहाँ अंकित किया गया है वैसा चित्र अन्यत्र मिलना सर्वथा कठिन है। यानी कि जो चित्र यहाँ दिखाया गया है वह चित्र क्या है कहीं भी ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है। कवि ने लज्जा का मानवीकरण करके उसके अंतर्भागी स्वरूप समस्त स्वरूपों व्यापारों चेष्टाओं प्रभावों आदि का जो वर्णन किया है वह कला और मनोवैज्ञानिक दोनों दृष्टि से उत्कृष्ट एवं श्रेष्ठ है। यद्यपि कवि ने यहाँ लज्जा का निरूपण करने के लिए बड़े लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग किया, भाषा भी कुछ अधिक लाक्षणिक और प्रतीकात्मक हो गई है तथा अलंकारिक भी अधिक है, फिर भी ऐसा नहीं कि कवि की अभिव्यक्ति स्थिर हो, यानी कि कवि की परजाई रुक जाए और वह पाठकों की समझ में ना आए। सारे सर्ग में वासना अभिव्यक्ति नागी के लज्जा अनुभव का अत्यंत विशद और विस्तृत निरूपण किया गया है। अंत में नारी के उस गौरव की ओर भी संकेत किया गया है जिसका कारण श्रद्धामयी होती है, वह जीवन को अमृत रस से खींचकर हरा भरा बनाती है, वह आत्मविश्वास का सुंदर वातावरण निर्माण करती है और अपने त्याग एवं बलिदान द्वारा पुरुष को महान बनाने का प्रयत्न करती है। अतः लज्जा मनोभाव के साथ साथ नारी जीवन का सम्यक निरूपण होने के कारण यह सर्ग कामायनी का सर्वश्रेष्ठ सर्ग है। इसमें भाषा भाव प्रतीक और अलंकार सभी का उत्कृष्ट रूप विद्यमान है और कवि की रमणीक कल्पनाओं गहन अनुभूतियों एवं अभिव्यंजना की लाक्षणिकता पूर्ण विलक्षण प्रणालियों का यह संचित भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कामायनी का श्रद्धा सर्ग के आधार पर श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण कीजिए। इसे दूसरी तरीके से पूछा गया है, प्रसाद के सौंदर्य चित्रण की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आंसर इसका, कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रसिद्ध छायावादी महाकाव्य है। आप सभी को पता है कि इसकी जो रचना हुई थी कब हुई थी, छायावाद में हुई थी, तो छायावादी महाकाव्य ये रही है जिसके 15 सर्गों में से तृतीय सर्ग का नाम श्रद्धा सर्ग है। यानी कि आपके सिलेबस में कौन सा सर्ग लगा हुआ है, तृतीय सर्ग लगा हुआ है। जल प्रलय में देव सृष्टि नष्ट हो गई, केवल मनु बचे। यानी कि जब जल प्रलय होता है उसमें क्या हुआ, सभी लोग समाप्त हो गए, देव सृष्टि समाप्त हो गई और कौन बचे, केवल मनु बचे। वे गुफा के समीप निर्जन स्थान पर बैठे तप में लीन थे, तभी गंधार देश की निवासिनी श्रद्धा उधर घूमती हुई आई और मनु को अकेले बैठा देखकर उनसे उनका परिचय पूछने लगी। मनु ने जब कौतूहलवश अपनी दृष्टि ऊपर उठाई तो उन्हें अपने समक्ष एक अत्यंत सुंदर युवती खड़ी दिखाई दी। वह श्रद्धा कैसी थी, उसका अंग प्रत्यंग कैसा मनमोहक था तथा मनु पर उसके रूप सौंदर्य का क्या प्रभाव पड़ा, इसका आकर्षक चित्र प्रसाद जी ने यहाँ अंकित किया है। देखिए क्या दिखाया प्रसाद जी ने, मनु ने देखा कि उसके समक्ष सुकुमार अंगों वाली एक युवती खड़ी है जिसका रूप नेत्रों को सम्मोहित करने वाले इंद्रजाल यानी जादू की भांति था। वह फूलों से लदी हुई एक सुकुमार लता जैसी प्रतीत हो रही थी, नीले वस्त्रों में से उसकी अंग कांति झलक रही थी। यानी कि नीले वस्त्रों में वो और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। इस सारे दृश्य को कवि ने निम्न पंक्तियों में चित्रित किया है, और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपता घनश्याम। आगे देखिए, गंधार देश की भेड़ों के चमड़े से बने हुए वस्त्र उसके अंगों पर शोभा पा रहे थे, नीला परिधान धारण किए हुए श्रद्धा के अंगों की कांति ऐसी झलक रही थी जैसे बादलों के वन में गुलाबी रंग की आभा वाले बिजली के फूल खिल रहे हों। तो यहाँ देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जियो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग।
श्रद्धा के काले काले केशों की पृष्ठभूमि में सुंदर मुखमंडल ऐसे दमक रहा था मानो संध्या काल का सूर्य दमक रहा हो। श्रद्धा के तेजोदीप्त मुखमंडल का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं कवि, आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घेरते हो घनश्याम, अगुण गवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। श्रद्धा के घुंघराले केश उसके कंधों पर पड़े हुए थे जो ऐसे प्रतीत होते थे मानो छोटे छोटे बादल मुख रूपी चंद्रमा से लवण रूपी अमृत भरने के लिए उसके चारों ओर घिर आए हों। इसके लिए देखिए पंक्तियां, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भगने को विधु के पास। देखिए मैं आपको बताऊं कि आप ये पंक्तियां याद कर लेंगे अगर, तो इन पंक्तियों से क्या होगा कि आप ज्यादा, आपको लिखना कम पड़ेगा और आप पेज ज्यादा भर पाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ट्रिक होती है, और जो भी आप लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिख के आ रहे हैं उसे थोड़ा लंबा लिखिएगा, 4 से 5 पेज का आंसर लिख के आइएगा, उसे आप कैसे भी बढ़ाइए लेकिन उसका आंसर जो है वो 4 से 5 पेज में आना चाहिए, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। कवि ने श्रद्धा के सुगम्य लाल लाल अधरों पर छाई हुई मुस्कान की तुलना सूरज की पहली किरण से की है जो किसलयों पर स्थिर हो गई है। तो इसके लिए पंक्तियां देखिए, और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अगुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। आगे देखिए, श्रद्धा अपूर्व सुंदरी थी, उसके इस आकर्षक सौंदर्य को देखकर मनु को ऐसा लगा जैसे उसके निराश जीवन में भी अब बसंत की बहार आ जाएगी। बादलों के घने अंधकार में चमकने वाली बिजली तथा तपन में शीतलता प्रदान करने वाली वायु के झोंके जैसे श्रद्धा मनु को प्रतीत हो रही थी। वे उससे पूछते हैं, देखिए क्या पूछते हैं, कौन हो तुम वसंत के दूत, विगस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपलता की एक तपन में शीतल मंद ब्याग। जैसे पतझड़ में कोयल की मधुर कूक आशा का संचार करती है, बादलों के घने अंधकार में बिजली चमकदार मार्ग दिखा देती है, और धूप की तपन से व्याकुल व्यक्ति को वायु की शीतल मतलब वायु का जो शीतल झोंका चलता है वो क्या है, ठंडक पहुंचाता है, ठीक उसी प्रकार श्रद्धा का रूप सौंदर्य मनु को प्रभावित कर रहा था, ठीक है। आगे देखिए, प्रसाद जी ने श्रद्धा के सौंदर्य का चित्रण छायावादी पद्धति पर किया है जिसमें स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता और वायव्यता है तथा मासलता का नितांत अभाव यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अभी तक अगर किसी ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और पीडीएफ जो है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा, ठीक है। और आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।